नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। एक और प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। उसी ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंचे। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स सम्मेलन में साथ दिख रहे हैं। दोनों की साथ में होने की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जहां एक ओर पीएम मोदी और शी जिनपिंग साथ दिख रहे हैं, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय निवेश के मामले में भारत ने चीन को बुरी तरह पटखनी दी है। दुनिया भर में निवेश की दृष्टि से भारत ने विश्व भर के उद्योगपतियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। दुनिया ये भलीभांति जानती है कि हर बिजनेस के मामले में भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनकर उभर रहा है। अगर किसी से भी पूछा जाए कि निवेश करने के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े मार्केट कौन से हैं, तो जुबान पर नाम आएगा चीन और भारत, क्योंकि चीन में दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। लेकिन हाल फिलहाल में आर्थिक मामलों में चीन से कई बुरी खबरें आ रही हैं और कोरोना काल के बाद तो इन खबरों का आने का सिलसिला और भी ज्यादा तेज हो गया है। लेकिन इससे इतर भारत के शेयर मार्केट कोरोना काल के बाद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बात की जाए साल 2020 के आखिर के बाद की, तो भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। इस रिटर्न का रेट 14% है। एशिया में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी में जितने भी इंडेक्स हैं उनमें सेंसेक्स का परफॉर्मेंस खासा उभर कर आया है। अब हालांकि भारतीय बाजार पिछले 3 सालों में स्थिर रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन चीनी बाजारों की स्थिरता भी नहीं देखने को मिल रही है। अक्सर ये रेट डाउन ही रहा है, यानी कि चाइनीज मार्केट बेहतर रिटर्न नहीं दे रहा है। बता दें कि जहां अगस्त महीने में दुनिया में इक्विटी में 5% की गिरावट देखने को मिली थी, वहीं भारतीय बाजार में ये गिरावट 2.1% की दर्ज की गई है। आपको कुछ आंकड़ों से रूबरू कराते हैं। मई 2021 में चीन में सबसे ज्यादा विदेशों से इन्वेस्टमेंट हुआ। यहां 12 महीनों में $300 बिलियन का निवेश हुआ था। वहीं भारत में भी निवेश अपने चरम पर था, लेकिन यह चीनी निवेश का 10वां हिस्सा था। लेकिन तब से लेकर अब तक हालात खासे बदल चुके हैं। चीन के निवेश बाजार को तब से अब तक 50% तक का नुकसान हो गया है और भारत को उस समय के बाद अब तक 25% से अधिक का फायदा हुआ है। कोविड के बाद चीन से उम्मीद जताई जा रही थी कि महामारी के बाद एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बेहतर ग्रोथ दिखाएगी। उम्मीद तो यहां तक की जा रही थी कि चीन पूरी दुनिया को उबार सकता है, जैसे उसने 2008-09 के वैश्विक महामंदी के दौरान किया था, लेकिन उम्मीदें सफल नहीं हो रही हैं। वेस्ट के साथ चीन के व्यापारिक तनाव और वेस्ट कंट्रीज में मित्र देशों की मैन्युफैक्चरिंग पर जोर ने भारत की स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है। वहीं चीन को इससे खासा नुकसान हुआ है। आईफोन प्रोडक्शन भारत में जल्द शुरू होने जा रहा है, जो भारत को और मजबूती दे सकता है। इसके अलावा उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में वैश्विक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकता है। यानी कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में खासी मजबूती देखने को मिलेगी, जो भारतीयों के लिए अच्छी खबर बनकर आ रही है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।